सवाल ये कि ऐसी महत्वपूर्ण घड़ी में या ऐसी संकट की घड़ी में राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ इस अंदाज में लोगों की भावनाओं से कई बार खिलवाड़ तो करती हैं, और जिसका नतीजा कुछ ऐसी तस्वीरों के शक्ल में रोड पर बाहर देखने को मिलता है, और फिर पुलिस के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा चैलेंज होता है जिसमें पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता ही है। आप मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, आप घर का काम नहीं कर रहे हैं, आप मरवा दिए लोग, आप गलत काम कर रहे हैं। नहीं, आप जज हो गए, आपने मेरी गाड़ी चेक करी, क्या पाया बताइए, आपने मेरी गाड़ी चेक करी, आपने बताइए क्या पाया, मतलब चालान कर दीजिए उसका, कर दीजिए चालान, कर दो, लेकिन मुझसे मेरे प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं करते, सारी वीडियो मौजूद है, मेरे प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं करते आप। आपने कहा लाठी मारूंगा, आपने कहा लाठी मारूंगा, किस बात लाठी मारेगा आप उसको, आपने कहा वीडियो है, उसके वीडियो है, आपने किस बात का लाठी मारेंगे आप बताइए हमको, किस बात से कहा, आप मुझे जेल भेजिए, मेरा अपराध है, मुझे जेल भेजिए। तो ये पूरा कन्वर्सेशन आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त किस तरीके से पुलिस के साथ में उलझते हुए दिख रहे हैं। आज हमने पहली बार जिंदगी में एडीजी नाम के एक अधिकारी की प्रशासनिक बदतमीजी और गुंडागर्दी देखी है। आज हमें खबर मिली कि हमारी पार्टी के पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर जो यहाँ से निकल रहे थे, उनकी गाड़ी रोक के चेकिंग करी गई, चेकिंग करके विधायक जी को पुलिस लाइन भेज दिया गया। सूचना मिलने पे हम भी आ रहे थे, जो कि हमने सीओ लायू को फ़ोन किया तो मालूम पड़ा कि चौराहे पे आ जाइए, देखते हैं, मैं बात करके आया था और आ रहे थे, उन्होंने आते ही आते हमारी गाड़ी की चेकिंग करो, मैंने परिचय दिया तो परिचय बोले होंगे विधायक, मैं विधायकों को लाठी बल पर ठीक करता हूँ, ये बात आपकी रिकॉर्डिंग में होगी, किसी ना किसी पत्रकार साथी की रिकॉर्डिंग में होगी ये बात, उन्होंने कहा मैं लाठी और विधायकों को ठीक करता हूँ, मैंने आप कैसे बात कर रहे, बोले मैं ऐसे ही बात करता हूँ, बदतमीजी ठीक कर दूंगा अभी, उन्होंने अनेक तरीके से बदतमीजी की बात करी। जब मैंने कहा कि मेरी गाड़ी की चेकिंग करिए, चेकिंग करके जो निकला सो बताइए, तो गाड़ी चेकिंग में क्या निकला तो बताया नहीं अभी तक, और मुझसे कह रहे हैं कि आपको जेल भेज रहा हूँ मैं, तो हम जेल जाने को तैयार हैं। देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, देश के अंदर अब घोषित इमरजेंसी लागू हो गई है, जब विधायकों पूर्व विधायकों के साथ बगैर किसी जुर्म के सड़क पर इस तरह से बात करी जाएगी, और हम लोग वो लोग जो सुबह से डीएम से बात करके, कप्तान से बात करके, ज्ञापन दे करके, आपने देखा है कि हमने बात करी है, मौके पर गए हैं, मौके पर जाकर लोगों को समझाया है, रास्ते निकाल रहे हैं, और हम सीधे थाना बाबूपुरवा से आ रहे हैं जहाँ वार्ता करके आ रहे हैं, और उन लोगों के साथ में जो यहाँ इस क्षेत्र के ही विधायक हैं उनके साथ एडीजी नाम का एक थाना सा अधिकारी इस तरह से प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन कर रहे हैं, बदतमीजी भी कर रहे हैं, ये इमरजेंसी के हालात पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा लड़े हैं और लड़ेंगे, हम लोग इस इमरजेंसी से जेल जाने चढ़ने वाले नहीं हैं, अभी तो हमको पता भी नहीं कि हमने जुर्म क्या किया, लेकिन अगर जेल भेजना चाहते हैं तो हम जेल जाने को तैयार हैं। पुलिस से उलझते हुए देख रहे थे, और अब उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौकों पर भी पुलिस उन्हें मेहमान की तरीके से ट्रीट करे, उनकी गाड़ियां ना चेक की जाए, जाहिर तौर पर पुलिस किसी तरीके का कोई जोखिम ऐसे मौके पर नहीं लेना चाहती, इसलिए चाहे वो आम आदमी हो या फिर कोई राजनेता ही क्यों ना, सबको एक नजरिए से ही और एक चश्मे से पुलिस देखती है और उसी तरीके से ट्रीट करती है। क्या मुद्दा क्या हुआ, वो क्यों आपको यहाँ से हटाने बोले एडीजी ने? प्रजातन में तानाशाही है, जिसको तानाशाही कहा जाता है, आज एक बहुत अच्छा सा फोटो भी चल रहा था, लिखा था ताना और बीच में अमिशा फोटो उनका बना था, इसी को तानाशाही कहा जाता है, और वो ये तानाशाही है, हमारी बात ही रखने नहीं दे रहे, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी जो करें वो सब सही है, अगर हम उसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं तो हम गलत। और मेरे पत्रकार बंधु, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ हैं, अगर मोदी जी ठीक है तो मोदी जी अपनी बात बताएं, आपके चैनल में ज्ञापन दें, आपके चैनल में ज्ञापन दें, लोगों को उनकी बात तो आनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, NRC और कैंप में वो क्या ला के हम भारत। अच्छा आप बताइए, जो मिडिल ईस्ट है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ हमारे कितने हिंदू भाई काम करते हैं, लगभग 75 से 80 लाख हिंदू भाई काम करता है, अगर वो घर वापसी आएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? हमारे जो मुसलमान भाई जो भारत में जने हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, वो आएंगे तो कहाँ रहेंगे? आंदोलन हो रहा है, पूरा देश चल रहा है। आपके कितने अभी नेताओं का हिरासत में बात करी जा रही है? अभी आपके सामने हमें पता चला कि हमारे मौजूदा विधायक अमिताभ वाजपेयी जी और हमारे भूतपूर्व विधायक चंद्रपाल दिवाकर जी को उन्होंने पकड़ के पुलिस लाइन भेजा, मैं वहीं जा रहा हूँ, और आपके सामने हमने भी कहा उनसे कि आप मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए, तो उन्होंने एडीजी साहब के ऊपर ये आरोप लगाया है अमिताभ जी ने कि उन्होंने लाठी से मारने की बात कही है, अच्छा। एक विधायक के लिए कहा है, ऐसा आरोप लगाया है और उनको गिरफ्तार किया है, इस पर क्या कहना है? नहीं भाई, आप कह रहे हो तो कहा होगा, मुझे इस बात के बारे में नहीं मालूम है, और अगर ऐसा कहा तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। थैंक यू सर।